भगवान का जन्म हुआ है। सब गोपी ग्वाल दौड़े दौड़े आ रहे हैं, यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं, बधाई ले भी रहे हैं। और हमारे नंदराय जी की जो प्रसन्नता है, समस्त खजानों को खोल दिए और कहा जिसकी जो इच्छा हो, मणि माणिक्य हीरा पन्ना मोती पुखराज सब ले लो, आज मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूँ, जिसकी जो इच्छा हो। और नंद बाबा को इतनी प्रसन्नता है महाराज कि दूध और दही की तो मानो नदी सी बहाई है, दूध और दही की तो मानो नदी सी बहाई है। और जय हो नंद बाबा, तुम्हें बधाई है, बधाई है। और सात बड़े बड़े तिल के पहाड़ बनाए, धेनु नाम नियुते प्रादाद, धेनु नाम नियुते प्रादाद, वे प्रेभ्या समलोकते, तिलात्रीन सप्तरत्नौघ शात कौंभा भराव्रताना। 2 लाख गायों का दान किए हैं, 7 बड़े बड़े तिल के पहाड़ बनाए, और साधारण पहाड़ नहीं है, स्वर्ण जड़ित पहाड़ है, और विप्रों को दान कर दिए हैं। सोचो जरा क्या प्रसन्नता होगी, क्या खुशी होगी। और गोपियां गाती हैं, अरे कृष्ण जन्म सुनी आई, ए यशोदा मैया दे दे। नंद बाबा ने कहा जिसकी जो इच्छा हो लो, आज मैं किसी को रोकूंगा नहीं। सब बधाई दे रहे हैं, बधाई ले रहे हैं। नंद जी को अचानक याद आया, मुझे वार्षिक कर देने के लिए जाना है। बहुत आनंद से आज की कथा को सुने, वार्षिक कर देने मथुरा जाना है, इसलिए सब लोगों को उस आनंद में छोड़ करके और बाबा गए हैं। कहते हैं कुछ दिन के लिए कंस ने वसुदेव देवकी जी को कारागार से छोड़ा है, और जब ये नंद बाबा लौट रहे थे तो मार्ग में वसुदेव बाबा से भेंट हुई, और भेंट में वार्ता हुई, नंद जी ने अपना वो दुख प्रकट किया। हमने सुना ये कंस ने आपके निरपराध कई बालकों की हत्या कर दी, बाद में एक कन्या हुई जो आकाश मार्ग की ओर चली गई, एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवम गता, तो शाप देकर के वो कन्या गई। सुनकर के बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। अब वसुदेव बाबा ने कहा मन ही मन कि बाबा नंदराय जी, आपके यहाँ जो लाला है, अब हम आपको क्या बताएं कि उनको छोड़ के आने वाले हम ही है। लेकिन फिर कहते हैं नंदराय जी, विधाता ने जो लिख दिया है उसके लेख को कोई मेट नहीं सकता है, इसलिए जो हुआ सो हुआ, हमारी छोड़ो, आप बताओ। सुना है आपके यहाँ 2 लाला हुए हैं, तो जैसे आपके वो लाला है वैसे ही मैं समझ लूंगा कि वही मेरे लाल है। नंदराय जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल आपके ही है। अब तो वो कंस को पता चल चुका है कि मेरा काल आ चुका है, आपातकालीन एक सभा बुलवाई है, उसमें उसके साम्राज्य में जितने भी हैं सबको एकत्रित किया, और जब अपनी बात बताई तो सबके बीच सबसे आगे वो बैठी है, नाम है पूतना। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना
पूतना किसको कहेंगे? संतों ने कहा पूतना का अर्थ ये हो सकता है कि जो औरों के पूत रहने ना दे, ऐसे को पूतना का संबोधन दिया जाता है। महाराज आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगी और दो पल में उसका प्राणांत कर दूंगी। कैसे? स्तनों में विष लगा करके जाऊंगी और विष की जहां दो चार पांच दस बूंदे मुख में गई, वह बालक तो अपने आप उसका प्राणांत हो जाएगा। कंस ने कहा हाँ, तुम ऐसी बनी हो कि तुम जब वहां जाओगी तो कोई तुमको जल्दी अंदर प्रवेश भी नहीं देगा। पूतना ने कहा महाराज इतनी डेंटिंग पेंटिंग चलती है, आप तो मुझे आदेश करो, ये बड़े बड़े दांत कटवा छटवा के बराबर कर लेंगे और जितना ऊपर का जो वो काला काला रंग है उसमें भी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर लेंगे। हाँ आजकल कुछ समझ में नहीं आता है, इतनी डेंटिंग पेंटिंग है महाराज। हाँ कभी आप नॉर्मल यदि मैं बात करूं जो आईटी पार्टी दुनिया भर की होती है उसमें आप जाइए कभी, आहा जो संसार को दिखाने के लिए ऐसी लीपापोती होती है। हाँ जब प्रकाश में प्रकृति का प्रकाश जब आता है ना, सूर्य की रोशनी जब आती है तो पूरी की पूरी ओरिजिनलिटी सामने आती है। हमारी हमारी मैया कह रही नहीं हम नहीं करते, वो बस यही देखे हमारी जो वास्तविकता है ना, हमें अपनी उस वास्तविकता में रहना चाहिए। जैसे कि सूप नखा जब राम जी के पास गई थी तो अपनी वास्तविक रूप में नहीं गई थी, रूप बदल करके पहुंची थी और क्या बोली थी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी ताते अब लग रहा हूं कुंवारी, अब जब आप मिल गए हो तो विवाह कर लो। भगवान ने जब इनकार किया तो ज्यादा देर तक उसका वो हाँ वो डुप्लीकेट रूप रह नहीं पाया, तुरंत आ गई विकराल रूप में। लेकिन मेरा परमात्मा कहता है तुम जो हो जैसे हो जितने हो जहां तक हो मेरे पास वैसे ही आना। लेकिन पूतना जैसे जो कोई होंगे वो कभी भी सीधे सीधे पहुंच ही नहीं पाएंगे, उनको बनावट पसंद है क्योंकि वहां भगवान के पास जाने की बात ही नहीं है। आज मेरा कृष्ण 6 दिन का हो गया है, 6 दिन की कृष्ण की छठी मनाई जा रही है, सब लोग बड़े धूमधाम से ये छठी का उत्सव मना रहे हैं और ये पूतना सुंदर ब्राह्मणी का रूप रख करके पहुंची। लोगों ने देखा ये कौन है, कहां से आई है, होंगी यशोदा जी की कोई बहुत पुरानी सखी सहेली, इतने दिनन बाद यशोदा जी को पुत्र की प्राप्ति हुई है तो शायद दर्शन करने आई हो। भीतर ले गई, यशोदा जी से पूतना कहती है हम बहुत दूर से आपके लाला को आशीष देने आए हैं। यशोदा मैया का वो कोमल हृदय दे दी और कहती है लो बहन अच्छा किया आप आ गई, आप लाला को संभालो तब तक मैं और कार्य कर लूं। भगवान जैसे ही पूतना की गोद में आई, माँ गई, पूतना ने लाला को गोद में लेकर के और जो ही स्तनपान कराना प्रारंभ किया, कुछ बूंदे जाएंगी विस्की और प्राणांत हो जाएगा। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कृष्ण 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो गए कुछ भी नहीं हुआ और उसके पश्चात कृष्ण ने पूतना को एक नजर देखा नहीं। लोगों ने पूछा क्यों, संतों ने कहा भगवान शायद विचार कर रहे हो ये कार्य माँ का कर रही है लेकिन इसके पीछे का ध्येय उचित नहीं है, ऐसी पूतना को मैं देख नहीं पाऊंगा, शायद इसलिए नेत्र बंद किए या कि विचार कर रहे हो कि इस पूतना को गति कौन सी प्रदान करूं, ये सोचने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए या कि विष है बड़ा कड़वा होगा।
और बालक को यदि कोई कड़वी दवा आप दें तो बच्चा नेत्र बंद कर लेता है। शायद इसीलिए कृष्ण ने नेत्र बंद किए। अनेक अनेक संतों के अपने अनेक अनेक अलग अलग विचार है। कुछ देर बाद भगवान ने पूतना को पकड़ा और ऐसा पकड़ा कि पूतना कि उस शरीर उस देह के साथ मेरा गोविंद आकाश मार्ग की ओर चला गया और वहीं से जो पूतना के प्राणों को निचोड़ना प्रारंभ किया। पूतना कहती है रे लाला छोड़ छोड़। भगवान कहे सुनो पहले मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तुम चल करके मेरे पास आई और मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ फिर जीवन पर्यंत उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उतनी ही ऊंचाई से गोविंद ने पूतना के प्राणों का हरण किया। पूतना का शरीर गोकुल के कई बाग बगीचों को धसाता हुआ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। प्राण पखेरू उड़ गए और भगवान मेरे गोविंद पूतना के वक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे खेल रहे हैं। पूरी की पूरी गोकुल में ये हल्ला मचा, सब दौड़ करके आई। इतनी बड़ी राक्षसनी भगवान ने देखा तो विचार किए रो लो कृष्ण, नहीं तो ये कहेंगे इतनी बड़ी राक्षसनी और ये लाला ऐसे खेल रहे हैं हंस रहे हैं, अभी तो बहुत लीलाएं करनी है। भगवान रुदन करने लगे। माँ दौड़ करके आई और अपने लाला को अंक में भरती है। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की रक्षा करें, नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करें। और भगवान कृष्ण गोद में पड़े पड़े खिलखिला खिलखिला करके हंस रहे हैं। इसलिए हंस रहे हैं कि देखो तो माँ को ये मेरे ही नाम से मुझी को झाड़ा दे रही है, मेरे ही नाम से मेरी नजर उतार रही है और ये केवल और केवल एक माँ ही कर सकती है। पूतना के उस देह को क्या किया जाए? गोकुलवासियों ने कहा इसे अग्नि के द्वारा जला दिया जाए, हाँ ये सबसे ठीक रहेगा। तो अनेक अनेक प्रकार की लकड़ियां लाई गई और पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूरा का पूरा ब्रजमंडल एक अद्भुत अद्भुत सुगंध से गूंज उठा। परीक्षित जी ने कहा पूतना तो राक्षसनी थी और उसके शरीर को जब जलाया गया तो सुगंध कैसे आई? सुखदेव जी कहते हैं स्पर्श किसका हुआ है? उस परब्रह्म परमात्मा का। और पारस मणि का स्पर्श यदि किसी भी वस्तु को हो जाए तो वो सोना हो जाएगी। वैसे ही मेरा गोविंद तो पारस है ना, उसके संसर्ग में आने के बाद कहीं कोई दुर्गंध रहेगी नहीं जाती है। जो भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ जाएगा ना फिर आप देखो वो आपको इतना सुंदर लगेगा, इतना सुंदर लगेगा। कभी संतों को देखो आप, कभी किसी तीर्थ में जाओ, ना कोई साज है ना श्रृंगार है कुछ भी नहीं है लेकिन तो भी अद्भुत अद्भुत सुंदर है। ये क्या है? ये भगवत कृपा का सौंदर्य अपने आप आता है।